फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन. एम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, टू की पावर एम माइनस टू की पावर एन इक्वल टू 2016. अब हमने एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर टू की पावर एम से टू की पावर एन सब्ट्रैक्ट हो रहा है और कुछ वैल्यू आ रही है, इट मीन्स टू की पावर एम इज ग्रेटर देन टू की पावर एन. तभी इनकी सब्ट्रैक्शन से 2016 आ रहा है, यानी टू की पावर एम टू की पावर एन से बड़ी होगी. तो इट मीन्स एम भी एन से बड़ा होगा, क्योंकि टू टू तो सेम है, तो इट मीन्स एम एन से बड़ा होगा. अब हमने एम और एन को इक्वेट करने के लिए हमने क्या लिखा, एम को लिख दिया एन प्लस के. एम को हमने लेट कर लिया, कोई भी कांस्टेंट ऐड कर लिया, के ऐड कर लिया. तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ फिल कर देंगे. तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर m की वैल्यू हम क्या फिल कर देंगे, n प्लस के माइनस और 2 की पावर n इक्वल टू 2016. अब यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 की पावर n कॉमन आ रहा है. तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 2 की पावर k माइनस 1 2016. अब 2016 के हम फैक्टर बना लेंगे. तो ये 2 के टेबल पे गया तो हमारे पास 1008, फिर 504, फिर 2 के साथ 252, 2 के साथ 126, 2 के साथ 63. तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर n 2 की पावर k नेगेटिव 1 और 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और यहाँ क्या आ गया 63. तो 63 को भी हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 की पावर 6 माइनस 1. 2 की पावर 6 क्या होता है, 64, 64 माइनस 1 क्या होता है, 63. अब कंपेयर करके देखो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, और k की वैल्यू क्या आ रही है, 6. तो n की वैल्यू हमारे पास 5 है और k की वैल्यू क्या है, 6. हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, m और n की. हमारे पास n की वैल्यू आ गई, हम m की वैल्यू हमारे पास क्या थी, m की वैल्यू हमारे पास क्या थी, n प्लस k. तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है, n प्लस k. तो n क्या है हमारे पास, 5, और n हमारे पास, k हमारे पास क्या है, 6. तो 5 प्लस 6 हमारे पास क्या आ गया, 11. तो m की वैल्यू हमारे पास 11 है और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है.